लगा रहे हो इन सब चीजों है। मैं आपका पिंजरे की छत साफ कर रही, इतनी गंदी हो रही है, वो जो है बारिश की वजह से सारा घर ना होगी, बारिश सब गंद हो रहा है घर ना, तो एक दिन सफाई करके अगले दिन सारा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी जो मेरे देसी परदेसी बहन भाई देख रहे हैं, सबसे पहले अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में रखे, सबकी परेशानियां मुसीबतें सब दूर करे, हर बला हर बीमारी से महफूज रखे, और जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना भी दे, और बेशक औलाद नरीना ना हो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की रहमत भी बहुत बड़ी नेमत होती है। तो जो भी घर है अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, और अल्लाह पाक हर बला हर बीमारी से तो खास तौर पे महफूज रखे और परेशानियां दूर करे, और जो बेचारे सैलाब जिदान हैं, जो बेचारे जिनके घर सारे तबाह गए हैं और जो लोग उजड़ गए ना, आपको पता है घर का जो एक एक तिनका जो है ना वो भी बनाते हुए कितना टाइम लगता है। और आप लोग ये सोचे उन सबके सारे घर जो है ना वो सब उजड़ गए, सब कुछ बह गया, सब जुड़ा हुआ बना हुआ, और आजकल देखें कितनी महंगाई का भी दौर है, आज एक एक चीज भी लेने जाए ना तो वो भी कितनी बंदा मुश्किल से ले पाता है, सोचता है तो पहले 10 बार कि हाँ जी फलानी चीज खत्म हो गई, ला दे ला दे ला दे ला दे, वो 10 बार कहते हैं, 10 दफा सोचते हैं, फिर वो घर में चीज आती है। चलो शुक्र है मालिक का, हर हाल में इंसान को अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस नेक दुआ के साथ, अच्छी बातों के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। देख सकते हैं जो आज मौसम है ना, वो बार बार कभी धूप है तो कभी बादल है, और पता नहीं शायद बारिश भी आती तो कोई पता नहीं है। कल हमारे मुल्तान में बहुत ज्यादा बारिश आई थी, बहुत तेज, जब मैं पकौड़े बना रही थी और पकौड़ों के बाद जो है ना, फिर उसके बाद इतनी तेज बारिश आई है, इतनी तेज बारिश आई है कि सारे जो इतनी ऐसे हो रहा था जैसे ना कोई शावर नहीं होता, कभी यूं बारिश इस तरफ हो रही थी तो कभी इस तरफ हो रही थी, समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने कौन से शावर चलाए हुए थे और कौन सी कहाँ से पानी आ रहा था। बहर अल्लाह पाक अपना करम करे। तो जी आज मैं ये ना तोतों की पिंजरा साफ कर रही थी, और इनकी जो छत थी ना बहुत गंदी हो रही थी, तो मैं इधर थोड़ी सी ना इसके ऊपर झाड़ू मार लू, मट्टी इतनी जमी हुई थी ना सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ना, क्योंकि इधर से आए जब भी सफाई करते हैं सारा इधर गंद हो जाता है। छत तो की झाड़ू रखी है कल बारिश में, झाड़ू जो है ना मेरी सारी ना खराब हो गई, ये भी कहते हैं कि हमारा जो घर है ना साफ करो। मैं यही सोचती हूँ इतवार वाले दिन रियान को छुट्टी होगी तो होंगे इनका गंदा से पिंजरा है ना वो साफ करेंगे। कल मैंने इनको पालक के पत्ते डाले हैं, वो भी मैंने कुछ खाए हैं, कुछ पड़े हुए, और मुझे लगता है ये सूख भी गए हैं। आज मैं कमरे की झाड़ू भी दे दूं, पानी जमा हुआ पड़ा है, जब भी बारिश आती है ना गैस में पानी जमा हो जाता है, और मैं सोच रही हूँ आज जरा अपने अचार को भी धूप में रखूं, हाँ हल्की सी इसको धूप ना लगे ना तो ये ना थोड़ा थोड़ा ना खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, देखा अब मैं इसको साफ करती हूँ, और जरा धूप ना लगे इसको नमी जाए फौरन से ना ये अपना काम दिखा देते हैं। तो बोला धूप का सेक लगेगा, अब मैं देखती हूँ कमरे की। बारिश से गीली हो गई और इसके सिंके भी ऊपर नीचे हो गए, हालांकि ये मैंने अभी आप झाड़ू देखी मतलब चली लंबी।
कहीं से ना रोज की आवाज भी आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं विश्वास दी है। हालांकि हमारे लिए तो ये समझिए जब मुहर्रम हो ना, मुहर्रम का महीना हम लोग शादी नहीं करते, सारी सराय के कहते ना कब तक का महीना, यानी कि जैसे बकरा की जो जिल हज तो खैर अच्छा है, लेकिन मुहर्रम में कहा जाता है कि जो है ना शादी नहीं करते, और ज्यादातर या फिर शबरात के महीने में और या फिर रबी अव्वल का महीना जो है हमारे प्यारे नबी की विदाइश का जो दिन है वो भी बहुत प्यारा प्यारा महीना है। तो बस फिर हम लोग तो शादी इसी महीने में करते हैं। ये पता नहीं ढोल की आवाज कहाँ से आ रही थी, बंद भी हो गई। चलो अल्लाह पाक सबको अपनी खुशियाँ ही दिखाए। कितने महीनों से ना बारिशों का जो सिलसिला जारी है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा। ईटें हमारी जैसे आप देख सकते हैं सारी हरी हो गई, धूप लगे ना ईटें कुछ तो, बल्कि अब तो धूप भी यहाँ पे शहर में नहीं आती। जी मैंने शहर से सारी झाड़ दे दी थी, शहर साफ हो गया और अब जो है ना गहरे में पानी भी इतना जमा हुआ पड़ा है बारिश का, वो निकालते हैं। हमारे लिए तो रोज का ही मसला बना पड़ा। आज इसके पापा गए हैं मार्केट और सब्जी लेने, तो सब्जियों की दुकान है तो सब्जी भी इतनी गंदी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या पकाए और क्या ना पकाए, और ऊपर से इतनी महंगी सब्जी है, इतनी महंगी सब्जी है, टमाटर 200 रुपए किलो, तो गोभी 250 रुपए किलो, तो फलानी चीज इतनी, क्योंकि वो सलाद की ही वजह से सारी चीजें इतनी महंगी हो रही है और बंदा इतना परेशान हो रहा है ना कि क्या करे और क्या पकाए और कहां जाए। ये हालात में अपने मुल्क के बस अल्लाह पाक अपना कर्म ही करे। मुल्क में महंगाई का इतना अजाब हुआ पड़ा है, ऊपर से बारिशों का जो सिलसिला है वो इतना हुआ पड़ा है। अब मैं काटती हूँ गोभी, गोभी काट के फिर वो पकाऊंगी। कहाँ है पता है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि बच्चे नहीं खाते और कुछ सब्जियां जो बंदा लेता है वो होती इतनी महंगी है, और सब्जी वो कह रहे हैं सिंध जो है ना बेचारा, सिंध में इतना सैलाब है कि सारी सब्जियां जो वहां से आती थी ना वो बिल्कुल बह गई है। अब ये देखें ये जो है ना
सारी गोभी खराब है। आज मैं शोर भी मैंने इसके पापा से मचाया कि आप देख के तो लेते हो गोभी, कैसी सब्जी, मैंने कहा उठा के ये लेके आप आ गए। बस वो कह रहे हैं आप बाजार में जाके देखो कितनी महंगाई हो रही है, जो लेके आ रहा हूँ ना उसका उस पर ना आप शुक्र अदा करो। अब ये सारा जो है ना ऊपर से पहले मैं इसको करूंगी साफ, फिर मैं इसको काटूंगी, उसके बाद जो है पकाएंगे। बड़ी मुश्किल से काटी है गोभी, और आज गोभी जो है ना बस किसी काम की भी नहीं थी और बस काट दिया है सारा। जब कचरा उठाते हैं कचरा भी बहुत कुछ है, तोते जो है ना शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भी दो गोभी। अब कोई भी हम लोग खाते हैं कोई चीज तो ना शोर मचाने लग जाते हैं, जैसे मैंने कल उनको पालक के पत्ते खिलाए थे ना, तो आज वही समझ रहे हैं कि मैं कोई चीज काट लूं बना लूं और उनको भी खिलाऊं। गोभी धोती हूँ ताकि इसका जो पानी है खुश्क हो जाए और फिर पकाते हैं। फिर शाम भी हो रही है और फिर खाना भी बनाना है। गोभी मैंने धो दी है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब इसको यहाँ पे और जो कचरा है अभी आए तो उसको बोल कचरा डब्बा फेंक गया तो हुआ पड़ा। तो जी बस आज तक की मेरी वीडियो जो थी वो यहाँ तक थी, तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, और आप यकीन करेंगे जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, और आप मेरी वीडियो को जब लाइक करते हैं तो आप यकीन करेंगे मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए और मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। और इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो फुल वार करें। अब मैं बैठ के जब खाना बनाऊंगी क्योंकि शाम काफ़ी हो गई है, और जो यहाँ जो है वो बाहर खेलने के आवाज़ उसको भी आवाज़ दे रही, वो सुन भी नहीं रहा, और अब जो है ना असल मसला था गोभी का वो काट लिया। उसके बाद हम खाना बनाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।